साहिबगंज की महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की की मौत से जुड़े मामले की जांच झारखंड हाई कोर्ट के आदेश पर अब सीबीआई करेगी, लेकिन इसके पहले एक सदस्यीय आयोग के जरिए इस मामले की जांच में लगभग 20 लाख रुपए से ज्यादा की राशि खर्च हो चुकी है। इस आयोग का गठन राज्य सरकार ने किया है। माना जा रहा है कि सीबीआई जांच शुरू होने पर आयोग विघटित हो सकता है। गौरतलब हो कि 3 मई 2021 को साहिबगंज की महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की की लाश साहिबगंज के पुलिस लाइन स्थित उनके क्वार्टर में फंदे पर लटकी मिली थी। मौके पर जो हालात थे उन्हें देखकर ज्यादातर लोग इसे हत्या बता रहे थे। इसे इतर पुलिस ने प्रारंभिक जांच में ही मान लिया कि यह आत्महत्या है। इस मामले में तूल पकड़ा। आरोपों के घेरे में बरहेट के विधायक, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा भी आने लगे। रांची से लेकर साहिबगंज तक आदिवासी समाज के लोगों ने आंदोलन करना शुरू कर दिया। सभी की मांग थी कि रूपा तिर्की हत्याकांड जांच सीबीआई से कराई जाए, लेकिन झारखंड सरकार ने सीबीआई की अनुशंसा नहीं की। 12 जून को रूपा के घर वालों ने खुद हेमंत सोरेन से मिलकर सीबीआई जांच की गुहार लगाई। सीएम हेमंत ने आश्वासन भी दिया कि रूपा उनकी बहन जैसी है, उसके साथ न्याय होगा, लेकिन वह सीबीआई जांच को तैयार नहीं हुए। मीडिया में लगातार खबरें आई तो सरकार ने एक सदस्यीय आयोग से पूरे मामले की जांच कराने की अधिसूचना 17 जून को निकाली। एक सदस्यीय जांच आयोग की जिम्मेदारी झारखंड हाई कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस विनोद कुमार गुप्ता को दी गई है। जस्टिस विनोद कुमार गुप्ता हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड हाई कोर्ट के भी चीफ जस्टिस रह चुके हैं। जांच आयोग का कार्यकाल 6 महीना निर्धारित किया गया। सरकार ने तय किया कि जांच कर रहे हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस को प्रतिमाह 3 लाख रुपए वेतन दिया जाएगा। साथ ही एक हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के समतुल्य यात्रा भत्ता और अन्य सुविधाएं दी जाएंगी। आयोग का गठन हुए करीब 3 महीना बीतने को है। इस बीच आयोग के अध्यक्ष ने एक बार साहिबगंज का दौरा किया है। सरकार के खजाने से अभी तक रूपा तिर्की मौत मामले की गुत्थी सुलझाने में लगभग 20 लाख रुपए से ज्यादा खर्च किए जा चुके हैं। खर्च में आयोग के अध्यक्ष के वेतन के अलावा हेलीकॉप्टर से रांची साहिबगंज आना जाना और अध्यक्ष का भत्ता सहित अन्य खर्चे शामिल हैं। सीबीआई जांच को लेकर रूपा के परिजनों में एक उत्साह है, एक खुशी है। अब उन लोगों का कहना है कि अब उनकी बेटी को न्याय मिलेगा और आरोपी कड़घरे में खड़ा होंगे। जेके न्यूज़ नेटवर्क के लिए कुबेर की रिपोर्ट।